यूपी में बेसिक स्कूलों के गुरुजनों की महिमा का हाल हरि अनंत हरि कथा अनंता वाला है। मोटी पगार पाने के बावजूद अपने कर्तव्य से मुंह मोड़े रहने वाले गुरुजनों की संख्या इतनी अधिक है कि पूरी ईमानदारी से काम करने वाले शिक्षक उनकी बदनामी के नीचे दबे रहते हैं। कुल मिलाकर कहें तो बेसिक स्कूलों में गुरुजनों की गैरहाजिरी कोई नई या बड़ी बात नहीं है, बल्कि यह आमतौर पर होता है। ताजा मामला इसलिए बड़ा है कि गुरुजनों की गैरहाजिरी का हाल देखकर उनके विभाग का कोई अफसर नहीं बल्कि जिले के मुखिया डीएम दंग रह गए। मामला यूपी के बागपत जिले का है। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह कमिश्नर की बैठक में भाग लेने मेरठ जा रहे थे। इसी बीच उन्होंने सोचा कि दिवाली के बाद स्कूलों का क्या हाल है, इसे भी देख लिया जाए। यही सोचकर वह उच्च प्राथमिक स्कूल डौला पहुंच गए। डीएम ने देखा कि स्कूल का मेन गेट बंद था। बगल के छोटे गेट से छात्र छात्राएं स्कूल में आ जा रहे थे। डीएम को अचानक स्कूल पहुंचा देख खलबली मच गई। कई शिक्षक तो दौड़ते हुए स्कूल पहुंचे। डीएम ने हाजिरी रजिस्टर देखा तो 16 शिक्षकों में से 8 गैर हाजिर थे। इसके बाद जब डीएम ने छात्र छात्राओं की संख्या का जायजा लिया तो उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पूरे विद्यालय में मात्र 64 छात्र छात्राएं मौजूद थे। डीएम ने इसका कारण पूछा तो सारे शिक्षक बगले झांकते नजर आए। इस हाल से काफी नाखुश डीएम ने सभी गैरहाजिर शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और वेतन रोकने का निर्देश देते हुए संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध भी कार्रवाई का निर्देश दिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।